पता है पर तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा अगर तुम जाओगे भी तो। तुम्हें स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती नोबिता। लेकिन मैं जाना चाहता हूँ सुनियो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पर ऐसा ही है तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। देखो शिज़ुका तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं नोबिता को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम कहती हो तो हम नोबिता को भी ले चलेंगे शिज़ुका। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अरे तो तुम आ गए नोबिता। डोरेमोन पता है मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। पर वो क्या? तुम्हें कोई खजाना मिला है क्या? पता है गर्मियों में सुनियो हमें योजोवान आइलैंड वैली लेकर जा रहा है। हम लोग वहाँ स्विमिंग करेंगे। क्या आइलैंड पर स्विमिंग करेंगे? हाँ, शिज़ुका ने सुनियो और जियान को मुझे साथ ले जाने के लिए मना लिया और अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। वाह, तो तुम सब सुनियो की वेकेशन मिला पर जा रहे हो? अरे वाह, वहाँ खूब मजे करना। वो आइलैंड सचमुच में बहुत अच्छी जगह है। तो तुम दोनों भी वहाँ गर्मियों की छुट्टियों में घूमने क्यों नहीं जाते बोलो? हाँ? डैड मानना पड़ेगा आप कितने इंटेलिजेंट हैं। वो तो मैं पहले से ही हूँ। बस अब तो गर्मियों का इंतजार है। नोबिता, तुम्हें 104 डिग्री बुखार है, तुम कैसे जा सकते हो बताओ? डोरेमोन प्लीज कुछ करो ना, मेरे लिए कुछ करो, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है लेकिन नोबिता, मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ो। नहीं बिल्कुल नहीं। अब अपनी जिद छोड़ दो नोबिता। देखो नोबिता तो आ नहीं सकता, इसलिए मैं भी उसकी देखभाल के लिए घर पर ही रुक रहा हूँ। उसको कब से जाने का इंतजार था बेचारा। किस्मत खराब है उसकी। मुझे तो पहले ही पता था जब हम उसे ले जाने वाले थे। हे शिज़ुका, एक आइडिया है, नोबिता की जगह पर तुम इसे ले जा सकती हो। देखो सब्स्टिट्यूट टेलीविजन ए। इसे ले जाने से काम हो जाएगा? हाँ देखो तुम मुझ पर भरोसा करो। तो ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं। हाँ चलो। नोबिता से कहना अपना ख्याल रखे। ओके तुम लोग भी खूब मजे करना। देखो वो लोग चले गए। मैं एक अच्छे लड़के की तरह चुपचाप लेटा रहा ना। तुम्हें कम से कम 2 दिन और आराम करना चाहिए। इस वक्त जियान सुनियो और शिज़ुका आइलैंड पर मजे कर रहे होंगे लेकिन मैं अकेला यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक हमारे पास ये है हम ट्रिप को यहीं से एंजॉय करेंगे। सब्स्टिट्यूट टेलीविजन बी। एक टीवी। लो इसे अपने सर पर रखो। हाँ? मैं सबको देख सकता हूँ। वो सब कहाँ पर है नोबिता? मुझे लगता है कि सब पहुँच चुके हैं। क्या हुआ, क्या बात है शिज़ुका? नोबिता की आवाज़ सुनी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता शिज़ुका, तुम्हारा वहम है। ठीक कह रहे हो। अब चलो। सुनो तुम्हारा कमरा बाईं तरफ है शिज़ुका। चलो हम अपने अपने स्विमिंग के कपड़े पहन लेते हैं। ओके। मेरे ख्याल से इतना काफी है। हाँ ठीक है। मैं आ गई। ओ हाय शिज़ुका। अरे ये क्या, तुम इस चीज को यहाँ पर भी ले आई? अब इसे छोड़ो भी। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, ये नोबिता का सब्स्टिट्यूट है। चलो कोई बात नहीं, अब स्विमिंग करने चलते हैं। हाँ चलो। अरे तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। सिर्फ देखने में कोई मजा नहीं आता है। तुम तैरना चाहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो फिर हाँ?
ये क्या हो रहा है? वो दरअसल मैंने किया क्या है कि युजोहान आइलैंड पे तुम्हारा बॉडी डबल बनाया है। क्या मतलब? तुम कूद सकते हो और मजे ले सकते हो। अच्छा नोबिता, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लेट जाओ ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात है, तुम बिस्तर में रहकर भी सब कुछ कर सकते हो। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो, अब मैं चला। अरे वाह, मुझे तो पानी में बहुत मजा आ रहा है। पानी बहुत ठंडा है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं डूब रहा हूँ। डोरेमोन कुछ करो, डोरेमोन। अरे हाँ, नोबिता को तो स्विमिंग आती ही नहीं है। प्लीज डोरेमोन, मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। प्लीज, तुम नहीं डूब सकते क्योंकि असल में तो तुम अपने बेड पर हो। हाँ सही कह रहे हो, मैं तो बहुत नादान हूँ। चलो अभी सेट के साइड में बीच वाले बटन को दबाओ। क्या ये वाला डोरेमोन? हाँ। ये तो कमाल हो गया। इस सुपर कंडक्टिव प्रोपल्शन की वजह से तुम तैर सकते हो। चलो अब हम लोग उस आइलैंड तक रेस लगाएंगे। ओके चलो। हे जियान, ये तो किसी मोटरबोट जैसा है। हाँ शिजुका, तुम तो कमाल हो। समझ नहीं आता कि तुम इतनी तेज कैसे तैर सकती हो। ये कैसे हो गया? दरअसल ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये तो मजेदार है डोरेमोन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्विमिंग कभी भी नहीं की है। तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा ताकि इस साल तुम भी स्विमिंग कर सको। सही कहा डोरेमोन, मैं ऐसा ही करूँगा। गर्म रेत, ठंडी हवा और हल्की लहरों की आवाजें, ये ओशन कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। हाँ तुमने सही कहा। हाँ? 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 ये मेरा वहम होगा। पता नहीं नोबिता कैसा होगा, आशा है कि ठीक होगा। शिजुका दिल से मेरी कितनी परवाह करती है, वो तो मेरी एक बिल्कुल सच्ची दोस्त है। मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा शिजुका। देखो सुनियो बेटा, मैं तुम्हारे डैड के साथ ऑफिस जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। छुट्टियों में काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपने दोस्तों के साथ खेलना, ठीक है? ओके बाय बाय। ओके बाय। फिक्र मत करो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हो तभी तो उन्हें फिक्र है। हे जियान, मैंने वो गेम अभी अभी खरीदी है और मैंने उस गेम से एक भी बार नहीं खेला है। मैं ये तुम्हें बाद में दूंगा, अभी कुछ और काम करो। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, कितना बोरिंग है। मुझे लगता है कि मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। तुम अपना होमवर्क भी लाए हो, अच्छी बात है। मॉम कहती है कि अगर होमवर्क करने का काम पहले कर लो तो बाद के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हो। जो पहले नहीं करते उन्हें वेकेशंस के आखिर में परेशान होना पड़ता है। मेरा मूड मत खराब करो। लेकिन मैंने क्या किया है? क्या ऐसा कुछ नहीं जो हम एक साथ खेलें और मजे करें? बोलो। मैंने सोच लिया है, तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें मैं एक सरप्राइज दूंगा। ओके तो अब तैयार हो जाओ, मैं यहाँ इस वेकेशन विला में सुनियो और शिजुका के पेरेंट्स के सम्मान में एक गाना गाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन गाना होगा। क्या हुआ नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ बताओ? दरअसल जियान गाना गा रहा है। क्या कहा? डोरेमोन, हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं नोबिता, लेकिन हम यहाँ बैठ कर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब शिजुका का क्या होगा? तो अब आपके बेटे नोबिता की तबीयत कैसी है? ये आवाज इतनी बुरी नहीं है जितनी कि हम सोच रहे थे। बेचारा, उसका जाने का बहुत मन था सच में। हाँ, आज सुबह उसने बहुत परेशान किया, फीवर होने के बाद भी जाने की जिद कर रहा था। अब सुनो डोरेमोन, जियान की मॉम को यहाँ बुला लो, ठीक है? क्या कहा, यहाँ बुला लो? शिजुका को जियान के भयंकर